नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ क्या होता है उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। सामग्री विज्ञान शिक्षण में दृश्य सामग्री का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दृश्य साधन दृश्य का अर्थ होता है देखने योग्य। क्या होता है? देखने योग्य। श्यामपट चित्र, मानचित्र, मुख चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र आदि, इसके अंतर्गत जो श्रव्य साधन, इनका संबंध सर्वेन्द्रिय यानी कानों से होता है। रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीफोन और टेप रिकॉर्ड आदि। इसी के साथ में जो इसकी परिभाषा दी गई है कि सहायक सामग्री वह सामग्री है, क्या है सहायक सामग्री? वह सहायक सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। वही दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ के परिभाषा के अंतर्गत बताया गया है। एक बार और देख लीजिए इसको। सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखी या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो ये क्योंकि सामाजिक अध्ययन की जो विशेष सामग्री को शीघ्र एवं सही रूप में शिक्षार्थी को हृदयंगम कराने या महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है, और साथ ही मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थी में जो रुचि एवं प्रेरणा प्रदान करने में सहायता सिद्ध होती है। तो ये इसके अंतर्गत वो बताया गया है कि सुगम, सहज एवं प्रभावशाली बनाने के लिए तथा विद्यार्थी द्वारा जो अच्छी प्रकार सीखने के लिए करता है, वो जिस सामग्री को देखने और विद्यार्थी का ज्ञान प्राप्त करता है, वो दृश्य सामग्री एवं जिससे सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है जो सुनकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे श्रव्य सामग्री कहा जाता है। और इसी के साथ में इसी प्रकार जिस सामग्री से सुनकर एवं देखकर दोनों ही प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह है दृश्य श्रव्य सामग्री। क्या है? दृश्य श्रव्य सामग्री, है ना। तो क्या है कि जिस सामग्री से सुनकर एवं देखकर, सुन भी सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह दृश्य सामग्री कहलाती है, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री में ताकि देखने योग्य, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो दो काम हो रहे हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाता है जो दृश्य में आने देखने योग्य। तो ये श्यामपट है, चित्र है, मानचित्र है, मुख चित्र है या विस्तार यंत्र है आदि, इसको अपन देख सकते हैं, है ना। तो ये फिर श्रव्य साधन, इनका संबंध सर्वेन्द्रिय कानों के से होता है, जो अपन कान के आधार से रेडियो को सुन सकते हैं, ग्रामोफोन, टेलीफोन देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टेप रिकॉर्डर, है ना। तो ये सारी चीज इसके अंतर्गत बताई गई है। इसी के साथ में जो इसमें जो सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य जो शिक्षण परिस्थितियों में लिखी या बोली गई सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। तो ये
सामग्री से सुनकर एवं देखकर दोनों ही प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह दृश्य श्रव्य सामग्री कहलाती है। ठीक है, आज के लिए इतनी काफी। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ज्ञान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।